One final time. क्या बोलती पब्लिक, व्हाट्स अप माय पीपल, भाई पहुंच गया अहमदाबाद इन वन पीस। एक दिन की गोवा में छुट्टी मना के, दैट्स व्हाई माय लेडीज वर, तो मैं जाके उनको हेलो करके आया हूँ, हगी करके आया हूँ, थोड़ा इमोशनली रिचार्ज हुआ हूँ आज के मैच के लिए। तो आज व्लॉग ओवर्स और जे बात को मिक्स करके, जैसे गुजराती खिचड़ी और कड़ी को मिक्स करके पेशकश की जाती है, वो किया जाएगा। आई हैव रीच इट इज 3:30, फट से हेयर कट करके थोड़ी दाढ़ी बना के मैं चला ग्राउंड पे, बिकॉज कर्टन रेजर इज लाइव एंड आई हैव गॉट एन इंटरव्यू विद शुभमन गिल एज वेल। तो फिर T-1 वर्ल्ड कप फाइनल तैयार हो जाओ। सबसे पहले कपड़े प्रेस कराए जाएंगे जो कि पूरे आए हैं, ये फाइनल के हैं, ये आज अभी इस कर्टन रेजर के हैं। सो गॉट क्विकली गेट दिस लॉन्ड्री डन। जैकेट कौन सी है, सूट कौन सा है, ये जैकेट है, ये फाइनल का सूट है, एंड ये बैकअप के लिए कि जब इंडिया जीत जाएगी ना उसके बाद अगले दिन भी शूट्स करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो फर्स्ट लॉन्ड्री, फट से खाना, क्विक हेयर कट और दाढ़ी, बिकॉज दाढ़ी बनी हुई है अभी झाड़ी। सो ये सब करा के देन विल गो टू द ग्राउंड। सो इट्स अ वेरी 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 क्विक टर्न अराउंड। तो कल है मैच, दीज आर सीन्स। आज शाम को 5:30 बजे बिकॉज इंडियन टीम आई है प्रैक्टिस के लिए, तो इंडियन टीम प्रैक्टिस के लिए आई है तो चक्का जाम हो गया जी। सो कल जब इंडियन टीम खेलने आएगी तो क्या होगा जी, ये सोच लो जी। ऑन दैट साइड एंड ऑन दिस साइड पूरी दुनिया पहुंच गई है अहमदाबाद। कितने लकी हैं सर, हम मिस्टर मांजरेकर के साथ जा रहे हैं, कितने लकी हैं हम। इतना बिजी ग्राउंड मैच से पहले कभी नहीं देखा किसी ने, क्योंकि आई थिंक द जर्नलिस्ट हैव जस्ट बीन गिवन अ चांस टू टेक अ फोटो विद द ट्रॉफी। फोटो हां, ट्रॉफी रखी है ना दीपक सर के पास। दीपक आई सी यू, दीपक विल बी डायरेक्टिंग द गेम टुमारो, ही हैज बीन डायरेक्टिंग इट फॉर अ व्हाइल। सो एंड यहां पे हो रही है ओपनिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस, सॉरी क्लोजिंग यार, ओपनिंग थ्री फाइनल की, ओपनिंग की क्लोजिंग। बिजी इवनिंग। सो बेसिकली कल की जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, एंड इट्स सेल्फ इन द साइड बिकॉज़ द डांसर्स ऐसे घूमे हुए हैं परफॉर्मेंसेस में, because tomorrow it's going to be a big day, pata nahi they'll come on camera or not, lekin puri shiddat ke sath kar rahe hain boss. So big thank you to Jojo has been a part of the World Cup, kuch stage ke piche kuch camera ke piche, jo camera pe kabhi nahi aayenge unko bhi, and all these flag bearers, ye India flag pakad ke, all the 10 flags will be here, and hum apna show aaj kar rahe hain, uski ready kar rahe hain. Gyanu ko aap jante hain, Sanjay bhai ko aap jante hain, so yeah, puri practice nahi dikhaunga, but obviously Dua Lipa is going to be here, Pritham is going to be here, Pritham Pyare is also here. अब इन सबके बीच में हमारा शो कैसे होगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, पर होगा, लाइव जाएंगे, फिर बात करेंगे कल की 5 बड़ी बैटल्स की, वो भी एकदम चिल करेंगे। भाई शुभमन नीचे आने वाला है, लेकिन उसको ना आते ये लोग, मेरा इंटरव्यू होगा नहीं क्योंकि उसके मुंह पे डकार मार देंगे लोग। समोसे और चाय चल रही है भाई, फरसान चल रहा है अहमदाबाद में, लाइव चल रहा है, और हमारा रनर पीछे से चाय और कॉफी ले लेके घूम रहा है। जी के विजय सी, यहाँ चल रहा है हिंदी का शो हमारा, बहुत सीरियस है क्योंकि मेरा शुभमन के इंटरव्यू में बहुत देर से शो से बाहर हूँ, एंड भावना बालाकृष्णन पहली बार आई है अहमदाबाद। 50 सेल्फीज आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। 50 आज की, 50 कल ना, नो दैट्स 500, बट एवरीवनस हियर, एवरीवन सुपर एक्साइटेड नाउ वेटिंग फॉर शुभी एंड द इंटरव्यू विल वॉच आज योर कवरेज में स्टार स्पोर्ट्स पे। Just a teaser for what's coming tomorrow during the game. These are drones and there'll obviously be a show tomorrow. What a show it's been. Back in the room and 11 baje wale, this is the last piece of the vlog, edit pe chale jayega abhi, and so much excitement. मतलब मैंने दिखाया आपको ग्राउंड के बाहर क्या हाल थे, everyone just getting the ground ready, everyone is just so excited, और हो भी क्यों ना यार 12 साल के बाद, बट इट्स अबाउट कीपिंग इट कूल, जैसे प्लेयर्स ने किया है वैसे हम भी कर रहे हैं, यू नो आई हैव डन एवरी सिंगल गेम, तो सारी तैयारी मन में हो चुकी है, फॉर द बिग मोमेंट्स तैयारी हो गई है, बट टुनाइट इट्स अबाउट गेटिंग एक अच्छी रात की स्लीप, 8 घंटे की नींद, सुबह फ्रेश उठ के फाइनल रिविजन करके ग्राउंड पर पहुंचना है, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर द शो इज गुड, और सुबह 7 बजे से हमारी कवरेज शुरू है, मतलब ऐसा नहीं कि शो शुरू हो जाएगा 7 बजे, बट
ऑल द डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग जगह पे क्रू होंगे, ऑल द प्रेजेंटर्स, एंड अगर यू नो इफ यूर अ फैन जो उठ के बोल रहा है कि यार दोपहर तक क्या करूं, तो स्टार स्पोर्ट्स लगा लेना, 7 बजे से कवरेज है, 12 बजे से क्रिकेट लाइव लेके आएंगे ग्राउंड से. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द बिग स्टोरीज, क्योंकि जो ग्रैंड फिनाले जिसमें हम 12 साल बाद पहुंचे हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में अपना तीसरा टाइटल जीता था इंडिया को हरा के, और इंडिया अपना तीसरा टाइटल जीत सकती है यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हरा के. बट इट्स अ फाइनल, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला है, लेकिन लेट्स लुक एट इंडियन टीम कब कब कहाँ कहाँ चैलेंज हुई है. पहली बार चैलेंज हुई थी पहले मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, दोनों का पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ ही था. इंडिया ने चेन्नई को मैच एंड में कन्विंसिंगली जीता, लेकिन पहले 15 ओवर 2 रनों पे 3 विकेटें गिर गई थी. रिमेंबर हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस. बेस्ट नॉन इंडियन पेस अटैक जो है वो ये है, इन्होंने वहां पे चैलेंज किया था. उसके बाद थोड़ा सा चैलेंज कहां हुए थे, धर्मशाला में थोड़ा न्यूजीलैंड ने किया था. सेमीफाइनल में फिर डैरिल मिचेल और केन विलियमसन की पार्टनरशिप ने बोलिंग को चैलेंज किया था, जहां पे एक चीज उभर के आई थी कि अगर आपके पास 6 बोलिंग ऑप्शन नहीं है तो सामने वाली टीम्स कोशिश करेंगी कि आपके एक या दो बॉलर्स को टेक ऑन करें, और वो हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी टू पुट इंडिया अंडर प्रेशर. दूसरी बात, सबसे ट्रिकी चीज ये है कि आप टॉस जीत के क्या करें, क्योंकि दिस विकेट ब्लैक सॉइल की विकेट है, एंड आई थिंक रोहित ऑल्सो सेड ही एक्सपेक्ट्स कि थोड़ा हो सकता है स्लो खेले. अब पहले जीत के, टॉस जीत के अगर आप बैटिंग करते हो, ये उतनी भी आसान विकेट नहीं है कि यहाँ पे आप 350-360 बना दो, उतनी आसान ये विकेट है नहीं. लेकिन अगर आप चेज करते हो तो फाइनल में एक तो चेज का प्रेशर बहुत बड़ा होता है, तो चाहे आप 250-260 भी चेज कर रहे हो, इट वॉन्ट बी ईजी प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी इसलिए है क्योंकि ड्यू बहुत आ रही है अहमदाबाद में, शाम को 23-24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, ड्यू बहुत आ रही है, सो बॉल अच्छे से बैट पे आएगी, विकेट थोड़ी हो सकता है बेटर हो जाए बैटिंग करने के लिए. सो क्रिकेटिंग लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक बायलैटरल सीरीज होती तो इसमें आई थिंक कोई सोचने वाली बात नहीं थी टीम चेज करती. लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल है, वर्ल्ड कप के फाइनल में व्हाट डिसीजन डू यू टेक. अगर आप पहले बैटिंग करना चाहते हो और उतने रन नहीं बनते, 300-310 नहीं बनते, तो आपके पास वो रन नहीं है ड्यू फैक्टर को कवर करने के लिए. लेकिन अगर आप, इट इज वेरी ट्रिकी, सो इट माइट नॉट बी अ बैड टॉस टू लूज. आइडियली इफ यू बैक योरसेल्फ, यू वांट टू चेस, या फिर क्योंकि आप ऐसी विकेट्स पे खेलते आए हो, यू वांट टू बैट फर्स्ट. आई थिंक सबसे ट्रिकी चीज है कि आप टॉस जीत के क्या करोगे. सो आई विल लेट दिस बी डिसाइडेड बाय द टीम्स एंड आवर कैप्टन. अब बैटल्स कौन कौन सी हैं, ट्रैविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श. ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो पहले बैटिंग करे या रन चेस करे, जो टेम्पलेट है, जो टेम्पो है, ये तीन सेट करेंगे. इंडियन अगर इन तीन में से दो को या इन तीनों को जल्दी आउट कर दिया, आई थिंक यू विल बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन. क्योंकि इसके बाद के आपके बड़े मैच विनर हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने भारत के खिलाफ कुलदीप पे आउट हुए थे, पिछले मैच में सामने तबरेशम जी आए थे, तबरेशम जी के खिलाफ भी आउट हुए और वो स्ट्रगल किया. तो स्पिन इज गोइंग टू बी अ फैक्टर. मैक्सवेल, स्मिथ और लाबुशेन के लिए कुलदीप और जाडेजा की बोलिंग, और ऊपर के जो तीन बड़े बैटर्स हैं उनके लिए हमारे सीमर्स की बोलिंग. दिस इज गोइंग टू बी द बैटल फ्रॉम इंडियाज बोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू. और इंडिया के जो बोलर्स हैं दे एब्सोल्युटली डिजर्व द क्राउन, मतलब ताज उनके सर पे होना चाहिए. बेस्ट पेस बोलिंग आउटफिट है, लेकिन दे विल प्रोबब्ली ट्राई एंड अटैक सिराज, और तीनों का दिन अच्छा जाना बहुत जरूरी है. और दूसरी साइड से बैटल्स कौन सी होने वाली है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सामने मिचेल स्टार्क और हेजलवुड. क्योंकि रोहित ऐसे ही खेलते आए, हर मैच में वो नेस्तनाबूत करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी देखा है कि रोहित कैसे बैटिंग कर रहे हैं. सो मिचेल स्टार्क क्या उतनी ऊपर बॉल करेंगे, खास करके अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, मे बी नॉट. दे विल ट्राई एंड मेक डिफरेंट प्लान्स, और ये डिफरेंट प्लान्स क्या होंगे फाइनल के लिए, दैट समथिंग दैट दे विल हैव टू गेस. हो सकता है लेंथ अपनी थोड़ी पीछे रखें, हेजलवुड हो सकता है स्टार्ट में लेंथ थोड़ी आगे डालें, दे विल जस्ट मेक रन स्कोरिंग अ लिटिल डिफिकल्ट. तो पहले 10 ओवर में रोहित और शुभमन, एंड शुभमन से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग नॉक. इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं, एंड ही इज बीन यू नो नियरिंग वो जो पीक वाला बड़ा 100 है, दैट्स नॉट बीन टू फार, हो सकता है यहां पे आए, एंड दैट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया. उसके बाद विराट, श्रेयस और केएल राहुल, इनको संभालने पड़ेंगे मेजॉरिटी ऑफ द रन्स, क्योंकि एडम जैम्पा एक बॉलर, पैट कमिंस व्हाइट बॉल में इकोनॉमी 6 से ऊपर की है उनकी, एंड साथ में ग्लेन मैक्सवेल और ट्रैविस हेड के साथ बीच में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वो 10 ओवर तलाशे. तो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या आप बाद में बैटिंग कर रहे हो, आपको ये जो 30 ओवर है पैट कमिंस और एडम जैम्पा और बाकी ये जो दो मिला के, इनको आपको अटैक करना पड़ेगा. सो द मेजॉरिटी ऑफ रन स्कोरिंग विल हैव टू हैपन अराउंड दिस टाइम. पूरी टीम टेस्ट होंगी, दो सारे डिपार्टमेंट्स टेस्ट होंगे. इट्स द फाइनल, क्योंकि हम 10 मैच ऐसे जीत के आए हैं, इट डजंट गिव यू गारंटी कि आप ये मैच जीत जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया डज ऑस्ट्रेलियन थिंग्स इन द फाइनल. मैन टू मैन मार्किंग ऑन पेपर ऑन एवरी रन्स फॉर्म इंडिया बेटर है, लेकिन ये फाइनल है और फाइनल के दबाव अलग होते हैं. सो फिंगर्स क्रॉस, होपफुली 12 सालों के बाद इन द इवनिंग आई विल बी कॉलिंग आउट फ्रॉम द कॉम बॉक्स कि तीसरी बार ये टाइटल हमारा हो गया है. बट इट विल बी क्वाइट अ गेम,
टॉस से लेके एंड तक दिस विल बी डिजर्विंग ऑफ अ फाइनल. जुड़ जाना बॉस हमारे साथ और कल होपफुली व्लॉग पूरा दिन बनाता रहूंगा. हो सकता है मैच के बाद या परसों सुबह व्लॉग आए एंड उम्मीद है कि वो जीत वाला व्लॉग हो. बट फॉर नाउ गुड नाइट. आज 140 करोड़ भारतीय ये सपना जो है ये सराहने रख के सोएंगे एंड फिंगर्स क्रॉस कल इसे हकीकत में जिएंगे.